तो अब बात करते हैं टेस्ट नंबर कौन सा है ये ये है टेस्ट नंबर फिफ्टीन प्लस थर्टीन टेस्ट मैंने इसकी ये टेस्ट नंबर ट्वेंटी एट है यार ठीक है टेस्ट नंबर ट्वेंटी एट है ये पंद्रह तक की मैंने बात की थी ट्वेंटी एट नंबर का ये है बाकी बीच का हम कवर करेंगे सो तो इसमें हमारे पास वही हंड्रेड क्वेश्चन होंगे और एक फुल सिलेबस टेस्ट है ये है ना यहाँ पर हमारे पास फुल सिलेबस कवर होगा तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन वोट एंड अकाउंट एंड एंट्रीम बजट हमसे क्या पूछा गया है वोट एंड अकाउंट एंड एंट्रीम बजट के बीच में क्या पूछा गया है डिफरेंस पूछा गया है क्या पूछा गया है डिफरेंस पूछा गया तो फर्स्ट क्या फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है द प्रोविजन ऑफ वोट एंड अकाउंट इज यूज बाय अ रेगुलर गवर्नमेंट वाइल एंड एंट्रीम बजट इज अ प्रोविजन यूज बाय द केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसा नहीं है भाई वोट एंड अकाउंट जो है वो एक रेगुलर गवर्नमेंट भी इस्तेमाल कर सकता है केयर टेकर गवर्नमेंट भी इस्तेमाल कर सकता है एज़ और यही चीज़ किसके लिए है बजट के लिए है बट जनरली इंट्रीम बजट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास केयर टेकर इस्तेमाल कर सकता है बट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो जनरली इंट्रमीडियट इस्तेमाल करती है लेकिन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं इसको ऐसा नहीं कि बस ये इसी के लिए वो इसी के लिए सो दिस इज़ इन करेक्ट अब वोट एंड अकाउंट ओनली डील्स विद एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट बजट वाल इंटरीम बजट इंक्लूड बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसीव बिल्कुल सही बात है वोट एन अकाउंट सिर्फ एक्सपेंडिचर के साथ डील करता है बट जो इंटरीम बजट है जैसे कि अभी दो हजार चौबीस में क्या होगा इंटरीम बजट आया होगा बिकॉज यहाँ पे चुनाव वाला साल है ठीक है तो ये एक्सपेंडिचर के साथ भी डील करता है एंड रिसिप्ट के साथ भी डील करता है दिस इज फर्स्ट दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट हमसे करेट पूछा गया है करेक्ट जाएगा टू ऑनली

ऑफ इंडिया टू प्रैक्टिस इन इट बिल्कुल सही बात है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जैसा आपको क्या करना है आ, काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा एक एग्जाम जो कि सुप्रीम कोर्ट लेगी उसको आपको क्या करना पड़ेगा क्वालिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर थ्री है कंसिडर दिथ रेफरेंस टू डिफॉल्ट स्टेटरी बिल हमको बात किसी करनी है डिफॉल्ट या फिर स्टेडरी बिल की बात करनी है इट इज राइट टू बेल है ना इट इज अ राइट टू बेल दैट एक्ोर्स वेन पुलिस फेल टू कम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन विद इन अ स्पेसिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन इन जुडिशियल कस्टडी बिल्कुल सही बात है अगर कोई आदमी जुडिशियल कस्टडी में है और उसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है और वो इंक्वायरी सही समय पर पूरी नहीं कर पाई पुलिस ने तो वो क्या कर जाएगा उसको बेल दिया जाएगा ऐसा प्रोविजन होता है स्टेटरी बेल के केस में इट इज एन शाइंड इन द कोर्ड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बिल्कुल सही बात है सीआरपीसी के अंदर मैंसन है स्टेटरी एंड डिफॉल्ट बेल के बारे में द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट डिफॉल्ट बेल इज अ फंडामेंटल राइट बिल्कुल सही बात है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक फंडामेंटल राइट right है डिफॉल्ट बेल करेक्ट हमसे पूछा गया है करेक्ट हो जाएगा ऑल थ्री क्वेश्चन नंबर फोर है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवैम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजीएसए की बात करनी है रिवैम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की डेवलप द गवर्नेस कैपेबिलिटीज ऑफ द पंचायत डिलीवर ऑन एस डी जीज विच आर कवर्ड विद इन दूफ़ पंचायत बिल्कुल सही बात है जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है वो क्या करता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं सेवेंटीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो उसके परव्यू में पंचायत क्या क्या काम कर सकता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ, नो पोवर्टी है पहला लाइफ अंडर वाटर है लाइफ अव लैंड है तो इन सब चीजों के मामले में जो पंचायत काम कर सकता है ना उसके साथ डील करता है रिवैम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सो so, यहाँ पे ये यह हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज दर्ट स्टेटमेंट ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव है विध रेफरेंस टू दाइनेंस ऑफ द पंचायत राजस्टीट्यूशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया कंसिडर्ड देंट वाइन्टी परसेंट ऑफ द रिवेन्यूज ऑफ पंचायत कम फ्रॉम दी ग्रांड प्रोवाइडेड बाई देंटर एंड दवर्मेंट बिल्कुल सही बात है यार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग दी फाइनेंस ऑफ दी पी आर आइज नो उतना समय नहीं है आर बी आई के पास है ना तो जो स्टेट जो है ना कुछ स्टेट uh, जो है कुछ अथॉरिटीज़ uh, को अनाउंस करती है कुछ अथॉरिटीज़ को बोलती है कि आप क्या करो ऑडिट करो फाइनेंस ऑफ पी आर आईज नॉट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सो दिस इज इन करेक्ट मेजर सोर्स ऑफ ओन रिवेन्यू फॉर डी पी आर आई इंक्लूड प्रॉपर्टी टैक्स यूजर फीस एंड फाइनस बिल्कुल सही बात है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास जो मेन पैसा आता है वो कहां से आता है प्रॉपर्टी टैक्सेस से यूजर फीस से एंड से हमसे करेक्ट पूछा गया तो यहां पे दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं क्वेश्चन नंबर है विद रेफरेंस टू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जीएलओएफ की बात करनी है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इट फर्स्ट द रिलीज ऑफ मेल्ट वाटर फ्रॉम अ मोरिन डैम्ड ग्लेशियर लेक ड्यू टू अ डैम फेलियर बिल्कुल सही बात है सपोज करो यहाँ पे डैम है यहाँ पे बड़े ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे पानी जमा है है ना यहाँ पे मेल्ट बहुत ज़्यादा हुआ ग्लेशियर्स का तो पानी बहुत ज़्यादा भर गया इसकी वजह से डैम टूट गया इसको बोला ग्लेशियर लेक आउटबर्स फ्लड एंड अर्थ क्विक्स आर दी डायरेक्ट कॉज ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स फ्लड नहीं मेन कारण जो होता है वो हैवी रेनफॉल होता है हाई रेनफॉल हो गया या फिर हाई मेल्टिंग हो गई या फिर जो इसकी जो क्वालिटी थी डैम की वो क्वालिटी कम हो गई ये मेन कारण है तो जो अर्थ क्विक है वो तो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इट इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हाँ जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है वो जाके और भी पानी हो सकता है और भी पानी जाकर गिर जाएगा वो जो 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 क्वालिटी है डैम की वो क्या हो जाएगी अफेक्ट हो जाएगी बट इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट फैक्टर सो दिस इज इनकरेक्ट इट इज़ अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ओके सो आंसर क्या जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट सेकंड इज तो आंसर हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर सेवन है सम टाइम बैक अ लार्ज अंडर वाटर हैपेंड इन होंगा हंगा वॉल्निकन जो कि कहा पे है पैसिफिक ओशियन के अंदर है बच्चे बच्चे को पता है नियर दी मलनेशिया पोलेशिया एंड दी पप न्यू गिनी आईलैंड क्वेश्चन नंबर एट है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेट स्ट्रीम्स हमको बात किसकी करनी है जेट स्ट्रीम्स की बात करनी है इट डेवलप वेयर एयर ऑफ सिमिलर टेम्परेचर मीट्स गलत बात है भाई जो जेट स्ट्रीम्स है वो वहां पे डेवलप होते हैं जहां पे एयर मैसेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर एयर मैसेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर मीट्स सो फर्स्ट इज इन करेक्ट दे आर दैट सर्कल राउंड द अर्थ विथ पोल एज इट सेंटर बिल्कुल सही बात है इस प्रकार से इस प्रकार से एंड द जेट स्ट्रीम्स आर कॉल्ड एज द वो जेट स्ट्रीम्स आर कॉल्ड एज रॉसबी वेव्स बिल्कुल सही बात है करक्ट हमसे पूछा है कट जाएगा ओनली टू क्वेश्चन नंबर नाइन है हाउ मेनी दी फॉलोइंग आर दी मेन रीजन बिहाइंड द फ्लो ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम टू आर दी बे ऑफ बंगाल जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ क्यों जाता है फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग ऑफ दी कोर्स ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र नो ये तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से है ना इसका कोई लेना देना नहीं है बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने से बट जो अपलिफ्टमेंट ऑफ दिल्ली रिज है उसने क्या कर दिया इस तरफ धकेल दिया इसको तो ये हाँ बे ऑफ बंगाल की तरफ ले गया जो मालदा गैप है वो भी क्या करता है सपोज करो मालदा गैप कहाँ पे यार मालदा गैप हमारे पास यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट अलन है यहाँ पे इस प्रकार से तो मालदा गैप तरह से क्या कर रहा है इसको डाइवर्ट कर दे रहा है कहाँ पे जो पानी जो था वो इस प्रकार से झारखंड की तरफ जा रहा था उसको इस प्रकार से इसने वेस्ट बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट कर दिया जिसमें मतलब ये कहाँ पे चला जाएगा बाद में और बंगाल में चला जाएगा सो so, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सो करेक्ट हमसे पूछा गया करेक्ट हो जाएगा ओनली टू ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट क्वेश्चन नंबर टेन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाटर लेवल इन द रिवर बेसिन एंड रिजर्व स्टोरेज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया डिफाइंड द सेंट्रल वाटर कमीशन सी डब्ल्यू सी बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है हर साल इंपॉर्टेंट रहता है ठीक है तो सी डब्ल्यू सी ने बताया कि वाट रिवर बेसिन आप किसको बोलोगे रिवर रिजर्व स्टोरेज किसको बोलोगे है ना तो रिजर, रिवर बेसिन किसको बोलेंगे रिवर बेसिन एक्सपीरियंसिंग रिडक्शन इन दॉटर लेवल ऑफ मोर देन ट्वेंटी परसेंट बट लेस देन इक्वल टू सिक्सटी परसेंट इज कंसिडर्ड स्टेट ऑफ नॉर्मलसी नो ऐसा रिवर बेसिन जिन्होंने क्या किया पानी में कमी देखने को मिला बीस परसेंट से ज़्यादा या और साठ परसेंट से कम उसको हमने बोला नॉर्मलसी का स्टेट नहीं बोलेंगे इट इज अ स्टेट ऑफ डेफिसिट सो इट इज अ डेफिशियड स्टेज और डेफिसियंट स्टेज सो फर्स्ट इज इन करेक्ट उदर्न रीजन ऑफ इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री पेन्नारायन महानदी बेसिन वे क्लासिफाइड एज हाईली डेफिशियट बिल्कुल सही बात है करेक्ट हमसे पूछा गया कैट हो जाएगा ओनली वन आंसर हो जाएगा ए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या है विच अमंग दी फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म करेंसी डिपॉजिट रेशियो करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या होता है भाई जो लोगों के पास जो पैसा है अपॉन जो पैसा बैंक में डिपॉजिट है है ना लोगों के पास जो पैसा है अपॉन जो पैसा बैंक के पास डिपॉजिट है उसको हम क्या बोलते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशियो सो इट इज द रेशियो ऑफ द मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू दैट दे होल्ड इन बैंक डिपॉजिट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर हमको बात किसकी करनी है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर की बात करनी है इट इज कैलकुलेटेड एज द द वेटेड एवरेज ऑफ बफर इन इफेक्ट इन द टू दूरिस बैंक हैव अ क्रेडिट एक्सपोजर क्या स्टेटमेंट सही है भाई बिल्कुल सही बात है भाई जो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर होते हैं वो क्या होते हैं वो वेटेड एवरेज होते हैं किसका वो बफर इन इफेक्ट द डिस्ट्रिक्शन टू विच बैंक हैव अ क्रेडिट एक्सपोजर दिस इज करेक्ट एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड एज एन एक्सटेंशन टू द कैपिटल कंजर्वेशन बफर बिल्कुल सही बात है जो कैंड काउंटर कैपिटल बफर है वो कैपिटल कंजर्वेशन बफर का ही एक एक्सटेंशन है ठीक है सो so ये भी करेक्ट है थर्ड आइट एम टू इंश्योर दैट बैंकिंग सेक्टर कैपिटल रिक्वायरमेंट टेक अकाउंट ऑफ द माइक्रो फाइनेंशियल इन्वायरमेंट नो हम बात करेंगे माइक्रो फाइनेंशियल इन्वायरमेंट्स की लाइक like इन्फ्लेशन हो गया एंड बड़े बड़ी जो चीज़ों की बात करेंगे छोटी मोटी चीज़ों की बात नहीं करेंगे काउंटर सेक्ट्रिकल कैपिटल बफर में ठीक है तो हमसे करेक्ट पूछा गया है करेक्ट क्या है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ओनली टू दैट इज स्टेटमेंट वन एंड टू इज़ करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन है विच विच ऑफ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एन इकोनॉमी हमको बात की करनी है स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करनी है एज एन इकोनॉमी डेवलप इट ऑलवेज टेंड टू गो फ्रॉम एग्रीकल्चर डोमिनेंट टू अ सर्विस डोमिनेंट वन एंड देन टू इंडस्ट्री डोमिनेंट वन नो इसका जो फ्लो होता है सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है भाई एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री इंडस्ट्री से सर्विसेस बट इंडिया का ट्रांजिशन जो है इस प्रकार से रहा है इंडिया का ट्रांजिशन इसीलिए हमको दिक्कत हो रहा है बिकॉज हम एग्रीकल्चर सीधा सर्विसेज की तरफ चले गए सो इट इज इन करेक्ट बिकॉज इसका ट्रेंड जो होता है वो एग्रीकल्चर एंड देन एग्रीकल्चर के बाद नॉट इंडस्ट्री नॉट सर्विसेज दैन एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री की तरफ जाता है इंडिया हैज बीन अन यूजल ट्रांजिशन फ्रॉम एन एग्रीकल्चर डोमिनेंट टू इंडस्ट्री डोमिनेंट नो ये तो यूजुअल है अन इसलिए बिकॉज इंडिया जो था वो एग्रीकल्चर से सर्विसेज की तरफ डायरेक्टली चला गया सो दिस इज ऑल्सो इन करेक्ट हमसे करेक्ट पूछा है जाकर नाइदर वन नॉट टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाई पावर्ड मनी हमको क्या बात करनी है भाई हाई पावर्ड मनी की बात करनी है जिसको हम क्या बोलते हैं एम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको रिजर्व मनी भी बोलते हैं बिल्कुल सही बात है इट इज़ हाईली लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द मनी स्टॉक इन द इकोनॉमी बिल्कुल सही बात है भाई जो कैश की फॉर्म में लोगों के पास होता है वो हम क्या बोलते हैं उसको हाई पावर्ड मनी बोलते हैं एंड इट डॉडली रिफ्लेक्ट्स दी टोटल मॉनेटरी लाइबिलिटीज ऑफ़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल सही बात है ये सौ रुपये का कैश का मतलब आप क्या समझते हो भाई आप आर बी आई आपको गारंटी करती है कि कोई भी आदमी अगर आपको इसको दे तो आपको उसको सौ रुपये की सर्विस देनी ज़रूरी हो जाती है ये लाइबिलिटी है किसकी आर बी आई की ठीक है सो ये बिल्कुल करेक्ट है हमसे करेक्ट पूछा गया है करेक्ट जाएगा ऑल थ्री क्वेश्चन फिफ्टीन है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉल मनी कॉल मनी क्या होता है कॉल मनी क्या होता है इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिपेबल ऑन डिमांड बिल्कुल सही बात है शॉर्ट टर्म होता है बिल्कुल ओवर नाइट पर्पज या फिर वन टू फिफ्टीन डेज के लिए होता है एंड इट हैज अ मच्योरिटी पीरियड ऑफ वन टू फिफ्टीन डेज बिल्कुल सही बात है एंड इट इज़ यूज फॉर इंटरबेंक ट्रांजेक्शन ये भी सही बात है इंटरबैंक ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं एंड इट इूज टू मेंटेन एस एल आर नो एस एल आर नहीं इसको सी आर आर मैंटेन करने के लिए मेनली इस्तेमाल किया जाता है सी आर आर मतलब वो पैसा जो बैंकों को रखना पड़ता है आर बी आई के पास सी आर आर मतलब जो पैसा जो बैंकों को रखना पड़ता है आर बी आई के पास ठीक है एस एल आर मतलब एस से एस एस एल आर एस से सेल्फ है ना एस में क्या होता है पैसा खुद के पास रखना पड़ता है बैंकों को है ना कितना पैसा खुद के पास रखना जरूरी होता है इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो बट जो कॉल मनी है सपोज करो बैंकों के पास पैसा नहीं है आर को पैसा देने के लिए तो वो क्या करते हैं आपस में एक दूसरे बैंक से ले लेते हैं पैसा उसको बोलते हैं कॉल मनी जनरली ये वन टू फिफ्टीन डेज के लिए होता है है ना और जो दूसरी बैंक है अगर मांगेगी पैसा तो उसको देना पड़ेगा सो इट इज़ अ रिपेबल ऑन डिमांड सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमसे करेक्ट पूछा गया तो ओनली थ्री स्टेटमेंट्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर 16 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रेडिशनल इंडियन वाटर कंजर्वेशन मैथड हमको बात किसी करनी है ट्रेडिशनल इंडियन वाटर कंजर्वेशन मैथड की बात करनी है जो हादस जो हाथ्स यूज प्राइमरली इन राजस्थान आर स्मॉल अर्दन चेक डैम्स दैट कैप्चर एंड कंजर्व रेन वाटर इंप्रूविंग द परपुलेशन एंड ग्राउंड वाटर लेवल बिल्कुल सही बात है जो हाथ यहाँ पे हमको सब चीज़ याद रखना बस याद रखना है कि कौन सा कंजर्वेशन मेथड कौन से स्टेट में प्रैक्टिस किया जाता है बस इसी से मैक्सम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बाकी सब चीज तो सब याद रख नहीं सकते यार ठीक है तो जो हाथ जो है राजस्थान के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है बिल्कुल सही बात अफलज अफलज है वो कहां पे बोल रहा है ये बोल रहा है गुजरात में प्रैक्टिस किया जाता है क्या गलत बात है भाई जो है जनरली ये अरब नेशंस में इस्तेमाल किया जाता है ओमान के अंदर इस्तेमाल किया जाता है सो सेकंड इज इनकरेक्ट गुजरात के अंदर जो स्टेप वेल्स है रानी के वाव स्टेप वेल्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड नॉट अफलज ठीक है इट इज इट इज यूज इन ओमान एंड इन अरब नेशंस ओमान एंड इन अरब नेशन कुल इरीगेशन सिस्टम आर ट्रेडिशनल ओके कुल इरीगेशन सिस्टम आर ट्रेडिशनल कम्युनिटी मैनेज वाटर चैनल्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम विच डाइवर्ट हिल स्ट्रीम वाटर फॉर एग्रीकल्चर देखो ये जो कुल cool है ना कुल इरिगेशन सिस्टम ये कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है ये प्रैक्टिस किया जाता है, है उत्तराखंड वाले रीजन में उत्तराखंड वाले रीजन में कुल cool को प्रैक्टिस किया जाता है एंड ना यहाँ पे क्या होता है जो ग्लेशियर्स होते हैं ठीक है जो ग्लेशियर्स होते हैं उनका जो पानी है उसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर इरीगेशन पर्पज फॉर कॉमन पर्पज ठीक है ना तो उसको क्या बोलते हैं कुल इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं ठीक है, है? वहां पे हमारे पास जो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग है उसको बचायाता awesome, है इट इज नॉट प्रैक्टिस इन असम बट इट इज प्रैक्टिस इन यूके मीन उत्तराखंड ओके फोर्थ है वॉल्व वॉव और स्टेप वेल्स आर फॉर्म ऑफ वाटर स्टोरेज एंड एक्सेस फाउंड मेनली इन दरिड रीजन ऑफ कर्नाटक अभी हमने बात की भाई जो वावस या फिर स्टेप वेल्स हैं वो कहाँ पे आते हैं गुजरात के अंदर सबसे फेमस क्या है रानी के वॉव तो हमसे करेक्ट पूछा ये भी इन करेट ये भी इन करेक्ट ये करेक्ट तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओनली वन आंसर हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लाउड सीडिंग मैथड हमको बात की करनी है क्लाउड सीडिंग मैथड की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार ये स्टैटिक क्लाउड सीडिंग इंट्रोड्यूस आइस न्यूक्लियर इंटू क्लाउड टू इंड्यूस प्रिसिपिटेशन बिल्कुल सही बात है ये सपोज करो बादल है इस बादल में हमने क्या किया जेट से जाके क्या कर दिया हमने यहाँ पे है ना आइस न्यूक्लियर डाल दी जिससे क्या हो गया बादल आपस में और बड़े हो गए और ये टकरा गया तो बारिश हो जाएगी ठीक है इसको हमने बोला स्टैटिक क्लाउड सीडिंग बिल्कुल सही बात है डायनेमिक क्लाउड सीडिंग एम टू इंक्रीज रेनफॉल बाय रिड्यूसिंग वर्टिकल एयर करेंट्स विद इन क्लाउड्स नो यहाँ पे हम क्या करते हैं इंक्रीज़ करने की बात करते हैं वर्टिकल एयर करेंट्स को जब वर्टिकल एयर करेंट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और भी ज्यादा क्लाउड का फॉर्मेशन होगा जब और भी ज्यादा क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो वो बल्कि हो जाएंगे वो बल्की हो जाएंगे तो पास में टकरा जाएंगे आपस में टकरा जाने से पानी गिर जाएगा सो so यहाँ पे हम क्या करते हैं डायनेमिक क्लाउड सीडिंग में हम वर्टिकल एयर करेंट्स को बढ़ाने की बात करते हैं नॉट घटाने की सो दिस इज़ इन करेक्ट थर्ड है हाई थर्ड है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ इनसॉलेबल पार्टिकल्स इन टू क्लाउड टू एनहांस एयर ड्रॉप फॉर्मेशन नो हाइग्रोस्कोपिक मतलब ऐसे मटेरियल जो कि पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सॉल्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे सोल्ट्स क्या करते हैं पानी को एब्जॉर्ब करते हैं सो नॉट इनसॉलेबल पार्टिकल बट हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक सॉल्ट्स तो यहाँ पे ये भी इनकट हो जाएगा यार तो हमसे करेक्ट पूछा गया करेक्ट हो जाएगा ओनली वन आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 18 है रिसेंटली साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अ न्यू स्पीशीज नोन एज नाउ दीहिंग म्यूजिक फ्रॉग नाम से दीहिंग दीहांग कहाँ पे है दियांग नदी कहाँ पे बहती है अरुणाचल प्रदेश तो कभी मानना थोड़ा सा सोच समझ के मानना नाम सुना सुना लग रहा है दीहिंग दीहांग सो ये कहाँ पे पाया गया भाई अरुणाचल प्रदेश के अंदर नाउ दीहिंग म्यूजिक फ्रॉग पाया गया जो कि मेल एंड फीमेल दोनों का आवाज उठा आवाज निकाल सकता है क्वेश्चन नंबर 19 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डैम्स डेम्सल फ्लाइज हमको बात किसकी करनी है डेम्सल फ्लाइज की बात करनी है डेम्सल फ्लाइज आर फाउंड मेनली नियर शेलो वाटर बॉडीज हैबिटेड बिल्कुल सही बात है जो डेम्सल फ्लाइज है वो कहाँ पर पाया है वाटर फ्रेश वाटर हैबिटेड के पास पायाते हैं एंड डेमसल फ्लाइज स्पीसीज है ना आर्मैगडन आर्मैगडन रेंटिल हैज़ बी नेम्ड शो टू हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन इंसेक्ट बिल्कुल सही बात है ये जो है ना क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं बिकॉज ये इंसेक्ट को कैच करते हैं इंसेक्ट को खाते हैं है ना अगर इनका स्पीसीज कम हो गया तो इंसेक्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा जब इंसेक्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा तो वेजिटेशन कवर कम हो जाएगा इनका स्पीसीज ज़्यादा हो गया तो इंसेक्ट का अमाउंट कम हो जाएगा इंसेक्ट का अमाउंट कम हो, का हो गया तो वेजिटेशन जो होंगे मतलब समझ रहे हो ना दोनों का रिलेटेड है तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमसल फ्लाइज इन क्लाइमेट चेंज को रेगुलेट करने में तो करेक्ट हमसे पूछा गया यार करेक्ट यहाँ पे बोथ हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी बोथ वन एंड टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पिंक बॉल वॉम हमसे क्या पूछा गया पिंक बॉल वर्म के बारे में पूछा गया है इट इज ओरिजिनली नेटिव टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड हैव स्प्रेड टू मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन वर्ल्ड वाइड नो ये पिंक बॉलवर्म जो है नेटिव नेटिव टू टू इट इज इंडिया अपार्ट फ्रॉम कॉटन पिंक बॉल वम डू नॉट अटैक अदर प्लांट बिल्कुल गलत बात है भाई अदर प्लांट्स को भी अफेक्ट करता है ये ना कंट्रोल मेजर्स फॉर पिंक बॉल वॉम इंक्लूड यूज ऑफ जेनेटिकली मोडिफाइड बीटी कॉटन दैट इज बेसिलेसिस जो हम बी टी कॉटन का इस्तेमाल करते हैं उसमें बिग पॉल वॉम है so, warm, ना और बहुत सारे और भी वैराइटीज यहाँ पे इस्तेमाल बहुत सारे और भी वैराइटीज को ये मारता है सो so, करेक्ट हमसे पूछा गया करेक्ट हो जाएगा ओनली वन आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए क्वेश्चन ट्वेंटी वन क्या है विद रेफरेंस टू द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमको बात करनी है लेटर वैदिक एज में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए थे उसकी दि राजा बिकम सोवेन ड्यूरिंग द लेटर विदिक एज एंड कुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज पोजिशन गलत बात है भाई यहाँ पे सोवरिन नहीं हुआ था यहाँ पे अभी भी पॉलिटिकल जो था वो इलेक्शन यहाँ पे जो राजा था वो भी इलेक्शन से चूज किया जाते थे और उसको रिमूव कर दिए किया जाता था बाई दी पर्सन हु चूज दैम द किंग हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशियंट स्टैंडिंग आर्मी नो लेटर विदिक में स्टैंडिंग आर्मी नहीं था भाई वो तो जनापदास के समय महाजनापदाश स्टेज में आया था सभा बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन समितिज ड्यूरिंग द लेटर पीरियड बिल्कुल सही बात है सभा में यहाँ पे फीमेल मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं सभा ज़्यादा पॉलिटिकल था एंड सभा का मैंसन है हमारे पास स्क्रिप्ट में ठीक है समितिज़ का मेंशन नहीं है फीमेल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते पॉलिटिकली कम एक्टिव है ठीक है तो बिल्कुल सही है कि हमारे पास लेटर विदिक एज में सभा बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके थे जहाँ पे मेनली एल्डरलीस पार्टिसिपेट करते थे नोबल्स पार्टिसिपेट करते थे इंपॉर्टेंट जो डिसन लेने वाले पार्टिसिपेट करते थे करेक्ट हमसे पूछा है कट जाएगा ओनली वन आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए क्वेश्चन नंबर है है फॉलोइंग पेयर ऑफ बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट काउंसिल काउंसिल एंड लोकेशन ठीक को उनके लोकेशन के साथ हमको मैच करना है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुआ था राजगृह में हुआ था बिल्कुल सही बात है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था वैशाली के अंदर याद रखना एस से सेकंड एस से ऐसे दो बार डंडी को जोड़ देंगे तो वैशाली थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुआ था पाटलिपुत्र के अंदर दैट इज पटना कहाल so यहाँ पे चारों के चारों सही है, हम पूछा है. Match, बहुत यार हमेशा याद रखना चाहिए अपने हमको बात किसकी करनी है हमको बात करनी है संगम लिटरेचर की संगम टेक्स वेर प्रिडोमेंटली सेक्युलर इन नेचर बिल्कुल सही बात है किसी एक पक्ष एक जाति निरपेक्ष थे धर्म निरपेक्ष थे किसी एक चीज को ज्यादा बढ़ावा देते थे किसी को धर्म कम करते थे ऐसा नहीं है भाई ये सेक्युलर नेचर के थे संगम पॉइम्स डिस्क्राइब द मिलिट्री एक्सपर्ट्स ऑफ द किंग एंड चीफ बिल्कुल सही बात है संगम पॉइम्स ने ये बताया कि यहाँ के जो राजस्थ थे वो कैसे लड़ाई करते थे संगम लिटरेचर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रीड विथ यवनास यवनास मतलब जो फॉरेनर्स है उनके साथ जो व्यापार हो रहा है उसके बारे में भी बताया गया है संगम लिटरेचर में करेक्ट हमसे पूछा गया यार करेक्ट हो जाएगा ऑल थ्री आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी क्वेश्चन ट्वेंटी फोर है विद रेफरेंस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करनी है द इंडस वैली पीपल प्रैक्टिस प्लस एग्रीकल्चर बिल्कुल सही बात है ये हमारे पास हल से जोतते थे बिकॉज हमारे पास हल दिखने को मिला है इन एक्सक्रवेशन फ्रॉम द इंडस वैली साइट्स द इंडस वैली पीपल हैड डेवलप्ड अ स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम बिल्कुल सही बात है यार ना एक वेट हर जगह जो सपोज करो एक किलो इतना वैल्यू होता है तो एक किलो का मतलब वहाँ पर एक किलो तो यहाँ पर हमारे पास अभी स्टैंडर्डाइज हो गया उस समय कुछ ऐसा वेट का सिस्टम था कि सपोज़ करो एक वेट का सिस्टम हरप्पा में है तो वही महेंजो दाल में भी इस्तेमाल किया जा रहा है कोई सामान हरप्पा में मेज़र किया इतना था तो हरप्पा में भी मेजर महजो दारा में मेजर करेंगे तो भी उतना ही होगा ये एक स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम देखने को मिला था इंडस वैली पीपल्स के समय जैसे आज है हमारे पास एक किलो का मतलब सौ ग्राम होता है यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेट होता है इंडिया में तो वो अमेरिका में भी इतना ही होता है द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वंस द ब्राह्मी स्क्रिप्ट उज इट्स ओरिजिन टू दी स्क्रिप्ट यूज बाय द इंडस वैली पीपल गलत बात है भाई देखो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो एक रिटर्न स्क्रिप्ट है यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में है बट जो इंडस वैली का जो स्क्रिप्ट है वो एक तरह से मेनली पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है ठीक है है ना और अभी तक ये डिसाइफर्ड नहीं हुआ है तो हम ये नहीं बोल सकते कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो इंडस स्क्रिप्ट से आया है है ना और ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है थोड़ा टेक्स्ट में है और वही जाके बाद में पाली और प्रकृत लैंग्वेज का एक स्क्रिप्ट बनाता है थर्ड इज इन करेक्ट हमसे करेक्ट पूछा गया है करेट हो जाएगा ओनली टू आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सोमेटिक जेनेटिक वेरियंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट टूल इन डेवलपमेंट ऑफ कैंसर बिल्कुल सही बात है जो सोमेटिक जेनेटिक वेरियंट्स हैं वो कैंसर के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर एस सी एन टी सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कैन बी यूज फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सटिंक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज़ बिल्कुल सही बात है कि हमने क्या किया एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के सोमेटिक सेल का ट्रांसफर करके नया सेल बना दिया नया ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं रेप्लीकेट भी कर सकते हैं तो उससे हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को एक्सटेंस होने से बचा सकते हैं सोमेटिक सेल इन मिल्क आर प्राइमरी व्हाइट ब्लड सेल बिल्कुल सही बात है सोमेटिक सेल जो मिल्क में होते हैं वो डब्ल्यू बी सीज होते हैं एंड रिवर्टेंट है ना रिवर्टेंट मोसाचीज इज नेचुरली ऑकरिंग फिनोमिना इन्वॉल्विंग स्पॉन्टेनियस करेक्शन और पैथोजेनिक म्यूटेशन इन अ सोमेटिक सेल बिल्कुल सही बात है ये रिवर्टेंट मोसाचीज्म एक नेचुरली मैकेनिज्म है जिसमें सपोज करो कोई सेल है इसके अंदर कोई म्यूटेशन हो गया तो उसको अपने आप करेक्ट करने का एक मैकेनिज्म है हमारे बॉडी के सोमेटिक सेल्स में देखने को मिलता है ये करेक्ट हमसे पूछा गया है यार करेक्ट यहाँ पे क्या है सारे के सारे करेक्ट हैं तो आंसर हो जाएगा डी ऑल फोर आर करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है Consider the following statement Geosynchronous satellites are launched into orbit in the same direction the earth is spinning. एंड कैन हैव एनी इंक्लिनेशन बिल्कुल सही बात सपोज ये अर्थ हो गया यहाँ पे एक वेटर हो गया जीरो डिग्री ठीक है तो जियो सिंक्रोनस जो होता है वो इंक्लिनशन में होते हैं ना अगर एक हमारे पास जीरो डिग्री पे होते तो स्पेशल टाइप ऑफ जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट बोलेंगे जिसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे स्पेशल टाइप ऑफ जियो सिंक्नस ऑर्बिट इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ठीक है बट जियो सिंक्रोनस किसी भी एंगल पर हो सकता है वो अर्थ के जो रोटेट करता है उसी डायरेक्शन में उसको सेंड करते हैं सो फर्स्ट इज करेक्ट एन जी एस एल वी दैट इज जियो सिंक्रोनस लॉन्च जियो सिंक्रोना सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज क्रायोजेनिक इंजन कंसिस्ट ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन बिल्कुल सही बात है यहाँ पे सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है भाई हमारे पास जी के अंदर एंड लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री इज इसरोज हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल करेंटली बिल्कुल सही बात है यार करेक्ट हमसे पूछा गया है करेक्ट जाएगा ऑल थ्री लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट साइड चैनल अटैक की कुछ मेथड्स ऑफ हैकिंग बताए गए हैं हमारे पास साइबर टेक्नोलॉजी से साइबर सिक्योरिटी से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है मतलब टेक्नोलॉजी से हमारे पास क्वेश्चन है साइड चैनल अटैक आर अ मैथड ऑफ हैकिंग क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम ठीक है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को हैक करने का तरीका है साइड चैनल अटैक बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ ऑक्सिलरी सिस्टम यूज इन दी एनक्रिप्शन मैथड बिल्कुल सही बात है यार इन अकोस्टिक एकोस्टिक मतलब दट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू साउंड ना अकोस्टिक साइंड चैनल अटैक साउंडस ऑफ क्लिक जिससे हम कीबोर्ड में टाइपिंग करते हैं ना टाइपिंग की जो साउंड है उसको पता हमको क्या पता किया जाता है कि क्या टाइप कर रहा है वो आदमी ठीक है उससे हमारे पास डिकोड किया जाता है साउंडस ऑफ क्लिक जनरेटेड बाई की बोर्ड इज यूज टू एनालाइज की स्ट्रोक्स एंड इंटरप्रेट वट इज बींग टाइप्ड टू रिक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये भी सही है यार करेक्ट हमसे पूछा गया है करेक्ट जाएगा बोथ वन एंड टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एन एन आए बिल्कुल सही बात है एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है ऐसा कोई भी वायरस नहीं जिसमें दो, दोनों चीज देखने को मिले एनसीईआरटी में लिखा गया है कि दोनों चीजें देखने को मिल सकता है और आरआईए दोनों एक ही वायरस में एंड वायरस दैट कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं बैक्टेरियो फेज बोलते हैं आर यूजली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस बिल्कुल सही बात है यूजली बोला गया है वायरस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म ये भी सही बात है यार करेक्ट हमसे पूछा है करट जाएगा ऑल थ्री क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन है वाई इज द दैक्टेरियम स्टेन मिथाइलो मिथाइलोटोवी माइक्रोबियम ब्यूटिनेस ब्यूरोट इज फाइव जी बी वन सी रिसेंटली न्यूज तो जो मिथाइलो बोट्रियम मिथाइलो टोवी माइक्रोबियम जो था ये इसलिए न्यूज में था बिकॉज ये जो मिथेन है ना भाई मेजर एमिशन साइट से उसको ये रिमूव कर सकता है तो एक हमारे पास बायो एजेंट uh, सा काम कर सकता है टू तो रिमूव वॉट टू तो रिमूव मैथेन जो कि बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखता है क्वेश्चन नंबर थर्टी है ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव क्यों देखने को मिला है ना न्यूज में था बिकॉज यहाँ पे जो जो स्टॉक्स हैं जो यूक्रेन से जो खाने आ रहे हैं खाना आ रहा है खाना बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट व्हीट प्रोड्यूसर है भाई यूक्रेन वहां से जो खाना आ रहा है वो रोक दिया गया था ब्लैक ब्लैक uh, सी के अंदर उसको रीइंट्रोड्यूस करने के लिए सो इंट्रोड्यूस रीइंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस वाइटल फूड्स एंड फर्टीलाइजर एक्सपोर्ट्स फ्राम यूक्रेन टू द रेस्ट ऑफ दर्ल्ड इसके लिए क्या किया गया था ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव रशिया यूक्रेन और टर्की टर्की इसको मीडिएट किया था यूएसए ने भी मीडिएट किया था क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्या है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है विद रेफरेंस टू द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया हमको बात करनी है पल्स प्रोडक्शन की इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप बिल्कुल सही बात है जो उरद है उसको हम रबी और खालीफ क्रॉप मतलब एज ए समर मंथ एज ए विंटर ए समर सॉरी समर सीजन में भी उगा सकते हैं और विंटर सीजन में भी उगा सकते हैं इसको गवर्नमेंट प्रोवाइड एम एस पी टू तुर उरद ग्राम ओनली नो तुर को देता तो है उरद को देता है मूंग को भी देता है ठीक है सो दिस इज इन करेक्ट इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पर्ससेस आफ्टर चाइना नो हम लार्जेस्ट प्रोड्यूस तो है उसके साथ साथ हम लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं दिस इज इन करेक्ट हमसे करेक्ट पूछा गया है करेक्ट क्या हो जाएगा वन ऑनली आंसर हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है काइलैंड्स काटा चिच्यू आइलैंड्स इजेंटली अपियर इन द न्यूज इन द कॉन्टेस्ट ऑफ वट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका अफेयर्स है ना इज अ ये कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन रहा है ये किसका किसका पार्ट है ये हमेशा रहता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है तागिरी एंड तारेन तागिरी एंड तोरने रिसेंटली इन द न्यूज़ आर इंडिजिनस पीपल इन वॉलेंट्री आइसोलेशन हु लिव विदाउट कॉन्टैक्ट विद द मेजोरिटी पॉपुलेशन दिस पीपल आर इनहेबिटेंट्स ऑफ विच कंट्री ठीक है ये कहाँ के रहने वाले हैं ये हमसे पूछा गया है तो ये हमारे पास एक्वाडोर के रहने वाले हैं जो कि दुनियादारी से फर्क नहीं पड़ता इनको अपना अलग जिंदगी जीते हैं ये क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है फॉलोइंग स्टेटमेंट बरूनी एन एग्जाम्पल ऑफ फील्ड बेस्ड रिफाइनरी देखो भाई हमारे पास जो रिफाइनरी होता है दो तरह का होते हैं एक होता है फील्ड बेस एक होता है अपने पास मार्केट बेस्ड जो मार्केट के पास उसको बोलते हैं मार्केट बेस और जो जहाँ पे ऑयल की वेल्स है उसके पास होता है उसको बोलते हैं फील्ड बेस ठीक है तो जो दिगबई है जो कि आसाम के अंदर है जहाँ से ऑयल निकलता है वो हमारे पास क्या है तसे? एक तरह से एक फील्ड बेस्ड रिफाइनरी है बिकॉज वो फील्ड के पास में है ऑयल के वेल के पास में है बट बरूनी जो है एक मार्केट बेस्ड रिफाइनरी है जहाँ पे मार्केट पास पड़ता है और उस वहाँ तक जो है पाइप के थ्रू क्या पे पहुँचाया जाता है ऑयल को पहुँचाया जाता है क्रूड ऑयल को पहुँचा पहुंचाया जाता है जहां पर रिफाइनरी होती है सो इट इज इन करेक्ट है ना बरूनी इज एन मार्केट बेस्ड रिफाइनरी एंड दिग्बोई इज एन फील्ड बेस्ड रिफाइनरी थर्ड है दब्लिक सेक्टर नूमूलीगढ़ रिफाइनरी इज ओनली रिफाइनरी दैट सप्लाइज डीजल विथ लो पोर पॉइंट ठीक है ना फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ व्हीकल्स एंड मशीन एट माइनस थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड इसीलिए ये जो डीजल है ये जनरली किसको प्रोवाइड किया था भूटान को इंडिया देती है, है ना जो हमारे पास जो इंडियन आर्मी है जो इंडियन आर्मी है जो कि हिमालयन रीजन में काम करती है उसको देती है जिससे वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनके जो गाड़ी है वो अच्छे से काम कर पाए बिकॉज माइनस थर्टी डिग्री सेल्सियस है ना बहुत कम टेम्परेचर पर वहाँ पर डीजल ख़राब हो जाएगा है ना तो डीजल ख़राब ना हो बोल के हमारे पास बहुत इस प्रकार के लो पोअर पॉइंट वाले डीजल्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि नमूली का रिफाइनरी प्रोड्यूस करता है सो दिस इज़ करेक्ट हमसे करेक्ट पूछा गया है करेक्ट हो जाएगा ओनली वन आंसर हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है्डिंग द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हमको बात करनी है स्पीकर ऑफ द लोकसभा की द स्पीकर इज द गार्जियन ऑफ द राइट्स एंड प्रीवेजेस ऑफ द लोकसभा बिल्कुल सही बात है यार द स्पीकर है सर्टन रेसिडरी पावर अंडर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर बिल्कुल सही बात है कुछ ऐसे पावर्स हैं जो कि इसके पास हैं किसी और पास नहीं है द स्पीकर प्रोवाइड्स स्पीकर डिसाइड्स ऑन ग्रांटिंग रिकॉग्नाइजेशन टू द लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा बिल्कुल सही बात है है ना अपोजिशन के लीडर्स को एक रिकॉगनाइजेशन प्रोवाइड करता है करेक्ट हमसे पूछा है कट जाएगा ऑल थ्री क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है कंसिडर दी फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस और सिचुएशन वेयर सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू दि स्टेट है ना किस किस सिचुएशन में सेंटर जो है वो स्टेट को बोल सकता है डायरेक्शन दे सकता है विद रिगार्ड टू एक्सरसाइज ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव पावर फर्स्ट है दी कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल सही बात है कम्युनिकेशन के रेफरेंस में बोल सकता है सेंटर स्टेट को कितु ये नहीं कर रहा ये कर दी मेजर्स टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज विद इन दी स्टेट बिल्कुल सही बात है जो सेंटर बोल सकता है स्टेट को कि भाई तू तो रेलवेज के मैटर में ये नहीं कर रहा ये तू करमिकेशन so, के मैटर में बोल सकता है स्टेट को रेलवेज के मैटर में स्टेट्स को बोल सकता है एन एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ स्कड्यूल ट्राइब्स बिल्कुल सही बात है सेंटर ने सपोज करो कोई स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई स्कीम बनाए हैं जो कि सेंटर स्टेट नहीं लागू कर रही है तो वो बोल सकता है स्टेट को सेंटर के देखो भाई तुम इसको लागू नहीं करो तुम इसको लागू करो सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट हमसे से करेट पूछा सेवन है इलेक्ट्रल सिस्टम in की चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस प्रोसेस सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ द कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज बिल्कुल सही बात सुप्रीम कोर्ट जज रिमूव करना बहुत मुश्किल है भाई वहां पे प्रूव एंड मिस बिहेवियर एंड इन को प्रूव करना पड़ता है है ना उसी प्रकार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है है ना सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही यहाँ पे भी रिमूवल का प्रोसीजर है द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम इंडियन इलेक्शन आर मैन्युफैक्चर्ड एक्सक्लूसिवली बाई द इलेक्ट्रॉनिक कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बिल्कुल सही बात है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल वी वी पैट मशीन वेयर इंट्रोड्यूज नेशन वाइड इन टू थाउजेंड नाइनटीन इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम गलत बात है बिकॉज इसको एक फेस्ड मैनर में पहले इंट्रोड्यूस किया गया था फेज मैनर में इंट्रोड्यूस किया गया है फेज मैनर में है ना थोड़ा थोड़ा करके है ना फिर एक साथ पूरे देश भर में लागू नहीं किया गया द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन वॉज एमेंडेड टू अलाउ दी नॉन रेसिडेंट इंडियन टू वोट थ्रू दी पोस्टल वैलेट इन इंडिया इसकी बात चल रही है भाई इसकी बात चल रही है अभी तक अलाउ नहीं किया गया है सो करेक्ट हमसे पूछा गया है करेक्ट हो जाएगा ओनली टू आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है रेफरेंस टू दी एथिक्स कमिटी ऑफ दी लोकसभा कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट हमको बात किसकी करनी है एथिक्स कमिटी की बात करनी है दी एथिक्स कमिटी फर्स्ट एस्टेब्लाइज इन लोकसभा बिफोर द राज्यसभा नो राज्यसभा से लोकसभा से पहले राज्यसभा में देखने को मिला था राज्यसभा में नाइनटीन नाइनटी सेवन को देखने को मिला था सो सुधी सिंह करेक्ट इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जामिनिंग कम्प्लेट्स रिलेटेड टू दी मॉरल एंड मॉरल एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल सही बात है

एम पी के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हो कोई और एम किसी एम के खिलाफ कंप्लेन कर रहा है तो एक, एक, एक आपके पास प्रूफ होना चाहिए एविडेंस होना चाहिए तथ्य होना चाहिए जिसके खिलाफ आप उसके जिसके वजह से आप इसके ऊपर प्रूफ जिसके वजह से आप उसके ऊपर एक तरह से आरोप लगा रहे हो दिस इज ऑल्सो करेक्ट हमसे करेक्ट पूछा गया यार करेक्ट हो जाएगा ओनली टू क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन फॉलोइंगल प्रोविजन द बॉडीज ऑफ फेटनिटी एज एन शारन इन दी प्रियम्बल ऑफ इंडिया तो फिफ्टी वन ए आर्टिकल फिफ्टी वन है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ डील करता है वहाँ पे हमारे पास एक फंडामेंटल ड्यूटी है जिसमें बोलता है ना ऑब्लीगेशन है टू प्रमोट नेचर ऑफ टू प्रमोट ब्रदरहुड अमॉन्ग दी मेंबर्स है ना इेस्पेक्टिव ऑफ दी रिलीजियस डाइवर्सिटी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ना माइनिटी डाइवर्सिटी और बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ की बात की गई और उसी में बात की गई टू रिनाउस द प्रैक्टिस दैट इज डेगेट टू डिग्निटी ऑफ वुमेन ठीक है तो ये हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर जो हमारे पास फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेडमेंट सारी फोर्टी सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेडमेंट हुआ था उससे हमारे पास ऐड किया गया था क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्या है कंसिडर प्लेस इन न्यूज एंड लोकेशन प्लेसेस को लोकेशन के साथ जोड़ जोड़ना है पोर्ट लुइस कहाँ पे है मॉरिशियस के अंदर एंड नॉट इन मालदीव्स कहाँ पे है भाई यार जो है वो कैपिटल सिटी है कहाँ का नूरू नूरू बिल्कुल सही बात है नूरू एक जगह है जहाँ का कैपिटल सिटी है ये एंड नूरू जो है वो चाइना के अंदर आता है चाइना का जो वन चाइना प्रिंसिपल है उसके अंदर ही आता है उसके बाद थर्ड है एसी क्यूबो एसी क्यूबो जो है वो जापान के अंदर नहीं आता एसी क्यूबो एक आइलैंड है जो कि गिनिया एंड वेनेजुला के अंदर आते हैं और गयाना नॉट गिनिया गयाना एंड वेनेजुला के अंदर आते हैं सो करेक्टली मैच पूछा तो ओनली वन इज़ करेक्टली मैच यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है क्या पूछा गया है भाई वेस्टर्न के बारे में पूछा गया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट इन द मेडिटेरियन रीजन एंड आर सिग्निफिकेंट फॉर विंटर प्रेसिपिटेशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया बिल्कुल सही बात है जो विंटर के समय जो पंजाब हरियाणा वाले रीजन में जो बारिश होती है वो क्यों होता है भाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मेनली होता है दे आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्नोफॉल इन द हिमालज

क्वेश्चन नंबर 42 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंपैक्ट ऑफ सेंड माइनिंग हमको बात की जा रही है सेंड माइनिंग के बारे में उसके इंपैक्ट के बारे में बात की जा रही है सेंड माइनिंग ऑपरेशन कैन इन एडवर्डली सपोर्ट फ्लड मिटिगेशन एफर्ट बाय इंक्रीजिंग द रिवर चैनल कैपेसिटी कि ये फ्लड मिटिगेशन एफर्ट को बढ़ाता है गलत बात है भाई आप एक समझना जो सैंड माइनिंग से जो तो जो सैंड माइनिंग होगा उससे जो लिकोसिस्टम होगा वो डिस्टर्ब होगा जिससे फ्लड मिटिगेशन के सपोर्ट होंगे वो इंक्रीज़ नहीं होंगे भाई वो डिक्रीज़ होंगे फ्लड मैनेजमेंट और डिफिकल्ट हो जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन सैंड माइनिंग एंड डिक्रीज सेडिमेंटेशन इन द रिवर और इंक्रीज सेडिमेंटेशन इन द रिवर इज मेटेड बाई द मैनेजमेंट प्रैक्टिस एम्प्लॉयड द देशन गलत बात है भाई बिकॉज आप सैंड माइनिंग जब करते हैं तो सेडिमेंटेशन तो बढ़ता है थोड़ा सा लेकिन कहाँ पर बढ़ता है इन द डाउन स्ट्रीम्स ठीक है और ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं सैंड माइनिंग तो उसमें क्या क्या मैनेजमेंट कर रहे हो दिस इज ऑल्सो इन करेक्ट सेंड माइनिंग कंट्रीब्यूट टू द ग्राउंड वाटर रिचार्ज वाई क्रिएटिंग डीपर चैनल्स दैट फैसिलिटेड वाटर इन फिल्ट्रेशन सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ भाई गड्ढे ज्यादा होंगे तो ज्यादा ये क्या होगा वाटर फिल्ट्रेशन होगा बट ये गलत है बिकॉज सैंड एक्ट एज अ फिल्टर जितने ज्यादा सैंड होगा उतना ज़्यादा फिल्टर होगा उतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर डिचार्ज होगा है ना लेकिन आपने सेंड निकाल दिया तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा कम करेगा बल्कि ठीक है सो करेक्ट हमसे पूछा यहाँ पे करेक्ट कोई सा भी नहीं है आंसर हो जाएगा नन क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री है फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल्स एंड दे लार्जेस्ट प्रोडक्शन स्टेट्स इन इंडिया आयरन ओर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है भाई उड़ीसा के अंदर होता है उड़ीसा के बाद सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ सो उड़ीसा में फिफ्टी परसेंट जो आयरन है होता है वो प्रोड्यूस होता है बॉक्साइड भी सबसे ज्यादा उड़ीसा में ठीक है उड़ीसा में दो सबसे चीज़ें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाने वाली आयरन एंड एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम मतलब बॉक्साइड कॉपर सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनता है भाई मध्य प्रदेश में और उसके बाद कहाँ पे राजस्थान में बेस्ट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाले स्टेट्स याद होने चाहिए अपने को जो आयरन सबसे कहाँ बनता है आयरन बनता है उड़ीसा के अंदर बॉक्साइड कहाँ बनता है मतलब और कहाँ पर निकलता है बात कर रही हैं हम उसकी उड़ीसा के अंदर कॉपर का और निकलता है मध्य प्रदेश के अंदर तो कैटली मैच हो जाएगा ओनली टू आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी क्वेश्चन फोर्टी फोर है एज रिसेंटली हर्ड इन द न्यूज टेक्निक इज एसोसिएटेड विद फॉलोइंग तो डेवरक टेक्निक है वो किसके साथ एसोसिएटेड है भाई इंटेंसिटी है ना साइक्लोन्स के साथ समथिंग एसोसिएटेड विद द साइक्लोन जो साइक्लोन्स है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उनकी इंटेंसिटी को मेजर करने का मैथर्ड है डायवरक टेक्निक क्वेश्चन फोर्टी फाइव है द इंडियन इकोनॉमी इज कॉल्ड डुअल इकोनॉमी कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हमारे इंडियन इकोनॉमी को डुअल इकोनॉमी बोला जाता है क्यों बोला जाता है ये हमसे पूछा गया है डुअलिज्म इज़ अ फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी बिल्कुल सही बात है बिकॉज कुछ धीरे धीरे ग्रो करने वाले रीजन और बिल्कुल तेज़ी से ग्रो करने वाले रीजन मतलब तो एक इकोनॉमी एक पाई जाती है सेक्टर्स पाए जाते हैं एंड एंडेर को एक्सिस्टेंस ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सेक्टर्स बिल्कुल सही बात है कुछ ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं जो कि जैसे कि हमारे पास टेक्सटाइल में कुछ ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं मॉडर्न सेक्टर्स में हमारे पास इंडस्ट्रीज के अंदर हम बात करेंगे आयरन इंडस्ट्रीज में हमारे पास क्या है मॉडर्न सेक्टर्स हैं तो हमारे पास दोनों तरह के सेक्टर्स देखने को मिलते हैं ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न डूल इकोमी इसीलिए बोल रहे हैं भाई को एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसा तो हमारे पास है ना बट मॉडर्न इकोनॉमी से भी देखने को मिलता है ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से हम डुअल इकोनॉमी बोल रहे हैं एंड को एक्सिटेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर जहाँ पर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर उसको बोलते हैं मिक्स इनमी एंड नॉट डूल इकानमी सो दिस इज इन हमसे करेक्ट पूछा गया कट जाएगा ओनली टू आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी क्वेश्चन फोर्टी सिक्स है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट कैपिटल रिसीव्स आर नॉन रिडीमेबल एस दिस रिसीव्स डू नॉट लीड टू अ क्लेम ऑन द गवर्नमेंट देखो भाई जहाँ पे कैपिटल टर्म आ गया वहाँ पे समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ठीक है तो अगर अगर रिवेन्यू रिसिप्ट हुआ मान लो ये गलत स्टेटमेंट है बिकॉज रिवेन्यू रिसिप्ट ऐसे रिसिप्ट होते हैं है ना जिनका कोई क्लेम नहीं होता गवर्नमेंट पे सीधा पैसा आता है टैक्स लेके हमारे पास आ गया कोई क्लेम नहीं है गवर्नमेंट का कि भाई मैं तेको वापस करूंगा कि नहीं करूंगा नहीं क्लेम है ठीक है बट कैपिटल रिसिट्स अंदर लोन्स हो गए गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ने लोन्स लिए हैं तो लेकिन उसको देना तो पड़ेगा चुकाना तो पड़ेगा सो फर्स्ट इज इन करेक्ट ऑल दो रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच रिड्यूस फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल को कम कर रहे हैं सो समथिंग दैट इज रिलेटेड टू वट एसेट्स एंड लाइबिलिट इज अटर्म है ना किसके साथ एस कैपिटल के साथ नॉट रिवेन्यू सो दिस इज इन करेक्ट डिज कैपिटल रिसीड्स कैपिटल रिसीड्स कैन भी डेट क्रिएटिंग एंड नॉन डेट क्रिएटिंग बिल्कुल सही बात है यार है ना डेट क्रिएटिंग भी हो सकता है नॉन डेट क्रिएटिंग भी हो सकता है करेक्ट हमसे पूछा गया है करेक्ट हो जाएगा ऑनली वन आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए क्वेश्चन फोर्टी सेवन है रिगार्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एम मॉनेटरी पॉलिसी सी सी की बात करनी है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की बात करनी है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी फोर बिल्कुल सही बात है यार एंड इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर नो जो एम पी सी है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसका जो चेयरमैन होता है वो गवर्नर ऑफ आरबीआई नॉट फाइनेंस मिनिस्टर एम पी सी कंप्राइजेस टारगेट्स बिल्कुल सही बात है करेक्ट हमसे पूछा है कट जाएगा ओनली टू आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी क्वेश्चन स्टेटमेंट स्पेशल ड्रॉइंग राइट इज एन अकाउंटिंग यूनिट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ऑफ करेंसी टू परचेज कोटा बिल्कुल सही बात है एस डी आर जो है वो अकाउंटिंग यूनिट है किसका इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का एन एस डी आर आर पेपर गोल्ड हाँ इनको बोलते हैं कागज के सुनहरे पत्र दैट कैन बी कन्वर्टेड इन टू वाइडली एक्सेप्टेड मनी एट प्री डिटरमाइन रेट बाई आई एम एफ बिल्कुल सही बात है करेक्ट हमसे पूछा गया है कट जाएगा बोथ वन एंड टू तो याद रखना जो एस डी आरस होते हैं उनको बोला जाता है पेपर गोल्ड क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन दी फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन दी टर्म बैंक रन ये बैंक रन क्या होता है भाई बैंक रन क्या होता है जब बैंकों के पास कम पैसा है उसके मुकाबले जिससे कि लोग बहुत सारे लोग जैसे दिवाली के समय बैंक रन जनरली देखने को मिलता है बिकॉज बहुत सारा पैसा निकालना चाह रहे हैं लोग बट बैंकों के पास उतना पैसा नहीं है सो इट इज एन इवेंट इन विच बैंक कस्टमर ट्राई टू विड्रॉ मोर मनी फ्रॉम दी बैंक दैट दी बैंक कैन प्रोवाइड जितना पैसा बैंक दे सकती है उससे ज्यादा लोग पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो बैंक रन होता है एंड इट कैन डी स्टेबिलाइज द इकोनोमी ना विथ रेफरेंस टू नेट जीरो एमिशन हमको बात किसकी करनी है नेट जीरो एमिशन की विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट नेट ज़ीरो एमिशन के बारे में गलत बताना है नेट जीरो एमिशन मीन्स बैलेंसिंग आउट द मैन मेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय द रिमूविंग बाई रिमूविंग एन इक्वल अमाउंट फ्रॉम द एटमोसफेयर जितना हम लोग डाल रहे हैं है ना सपोज करो ये मैन है ये रिमूव कर रहा है कुछ कुछ इसको हम वापस से ले ले रहे हैं एटमोसफेयर से एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं बाई प्लाटिंग वॉट बाई प्लांटिंग ट्रीज एंड बाई आर्टिफिशियल मेथड्स है ना लाइक like हमारे पास जो कार्बन डंपिंग कर रहे हैं इंडिया हैज प्रोमिस्ड टू अचीव द नेट जीरो टू थाउजेंड एंड सेवेंटी एट ग्लासगो क्लाइमेट समिट बिल्कुल सही बात है ये भी सही बात है इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एंड प्रमोटिंग कार्बन कैप्चर जो मैंने डालने की बात की वही क्या बोलते हैं यहाँ पे कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज बोलते हैं इसको लाइक जो सैंड माइन्स में डालते हैं सॉरी कोल माइन्स है ना बहुत सारे और भी जगह हैं ठीक है सो इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एंड प्रमोटिंग कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज कैन हेल्प इंडिया टू अचीव नेट जीरो एमिशन बिल्कुल सही बात है रीचिंग नेट जीरो एमशन टू थाउजेंड एंड फिफ्टी बाई ऑल पार्टीज ऑफ द यूटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज विल इमीडिएटली एक्सट्रीम वर्ड इमडिएटली हार्ड ग्लोबल वार्मिंग ऐसा चांस है ग्लोब वार्मिंग रुक जाएगा नहीं होगा भाई इट इज़ अ स्लो प्रोसेस धीरे धीरे रुकेगा लेकिन हम लोग नेट जीरो जब लेंगे तो धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग कम होते जाएगा नॉट इमीडिएटली सो दिस इज इन करेक्ट तो पार्ट वन हो गया भाई पार्ट वन में पचास क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम पचास क्वेश्चन देखेंगे